हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है ड्रीमी आईज। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ वैलेंटाइंस डे मना रहे थे, पर नियान नाम का लड़का किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ रोजी नाम की लड़की नियान से कहती है क्या वो उसके साथ बाहर चल सकता है, क्योंकि हेलेन जिसका वो इंतजार कर रहा है वो तो स्कूल आई ही नहीं। ये सुन नियान अपने पास्ट को याद करता है और ऑडियंस से कहता है कि उसके दिल में सिर्फ एक ही लड़की है, हेलेन, जिसे वो 6 साल की उम्र से लाइक करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेलेन और नियान बचपन से एक साथ रहते थे एंड हमेशा एक दूसरे के बारे में ही सोचते थे, और अगर कोई हेलेन को परेशान करने की कोशिश करता तो नियान हेलेन के लिए किसी से भी लड़ जाता एंड लड़ाई के चक्कर में वो हमेशा मारी खाया था। पर हेलेन उसके छोटों पर हमेशा मलहम लगा दिया करती थी। नियान अगर लड़ाई करता तो उसके फादर उसे बहुत मारते, पर हेलेन के लिए वो ये भी सहन कर लेता। उसकी बचपन से बस एक ही विश थी कि वो और हेलेन बड़े होकर शादी कर सके। इन सभी हैप्पी मेमोरीज के साथ दोनों ही बड़े हो जाते हैं एंड एक दिन जब हेलेन और नियान साथ में बैठे थे तभी हेलेन नियान से कहती है क्या वो उसके लिए गिटार बजा सकता है, क्योंकि वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छे से प्ले करता था, जिसके नियान मान जाता है और वो बहुत ही अच्छे से गिटार बजाता है, जिसे सुन वो बहुत इम्प्रेस थी। फिर दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल से गार्डन में जाते हैं। हेलेन नियान से कहती है कि वो जल्दी गांव को छोड़कर शहर जाने वाली है। इस बात को सुन नियान अपसेट हो जाता है। हेलेन नियान से कहती है सनी, मैं तुम्हारे बिना शहर में अकेले कैसे रहूंगी, इस लेसन मेमोरी मैं तुम्हें अपनी बनाई हुई पेंटिंग देना चाहती हूँ। हेलेन पूरे दिन नियान के साथ ही उसी जगह पर बैठी हुई थी, क्योंकि वो उसे छोड़कर अकेले शहर जाना नहीं चाहती। फिर नियान और हेलेन दोनों मार्केट जाते हैं। नियान हेलेन के लिए कुछ खरीदना चाहता था, पर हेलेन उसे कहती है उसे जो चाहिए वो शहर में मिलेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और नियान भी शहर आ जाता है। नियान शहर में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता था और पढ़ाई भी, लेकिन वहाँ पर उसका मेन मोटिव था हेलेन के साथ रहना। नियान जब शहर पहुँचता है तो वो अपने अंकल के पास गया था, जिनका बेटा टैंक बहुत ही र्यूट था और वो नियान को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। नियान सबसे पहले हेलेन से मिलने जाता है जो अपने आंट के घर रह रही थी। वहाँ से देख वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, क्योंकि हेलेन ने अपने हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग सेंस सभी कुछ बदल दिया था। नियान हेलेन से सिर्फ 2 मिनट बात करता है और नर्वस होकर वहाँ से जाने लगता है। वो उसे रोकती है लेकिन वो तब भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं नियान हेलेन को स्कूल से पिकअप करने गया था और दोनों एक साथ बहुत खुश थे। हेलेन नियान के घर उससे बुक लेने आती है कि तभी टैंक, जो कि नियान के अंकल का बेटा था, वो हेलेन को देख नियान से पूछता है गेस्ट को घर के अंदर क्यों नहीं ला रहे। टैंक हेलेन से घर में आने के लिए पूछता है और उन दोनों का बात करता वो देख नियान बहुत जेलस फील कर रहा था। वहीं दूसरे दिन नियान जब हेलेन को स्कूल से पिकअप करने जाता है तो वो पहले से टैंक के बाइक पर बैठी हुई थी और वो कहीं जा रही थी। उन्हें ऐसा करता देख नियान भी उनके पीछे जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से टैंक एक अच्छा बंदा नहीं था। हेलेन टैंक से मनी मन बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और हमेशा वो टैंक से मिलने उसके घर जाती थी एंड उन्हें ऐसा करता देख नियान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब टैंक और हेलेन साथ में मूवी देखने गई थी तब नियान भी उनके पीछे गया था, ताकि डैंग हेलेन के साथ कुछ गलत ना करे। मूवी के खत्म होते ही वो दोनों डिस्को में जाते हैं, जिनके पीछे पीछे नियान भी चला गया था। वह उन दोनों कितना क्लोज देख उसे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि वो हेलेन से सच्चा प्यार करता था, पर हेलेन को डैंग के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। और फिर डैंग जब घर आता है नियान को जेलस फील करवाने के लिए उसके सामने अपनी हेलेन की बात करने लगता है। हेलेन दूसरे दिन जब स्कूल गई थी तो उसे पिकअप करने डैंग नहीं आता, पर नियान हमेशा की तरह उसके लिए वही खड़ा था। हेलेन रोते हुए नियान से कहती है कुछ दिनों से टैंक उसे ठीक से बात नहीं कर रहा और उसके घर ड्रॉप करने भी नहीं आता। ये सुनते ही नियान टैंक के पास जाता है और कहता है तुम हेलेन पर चीट क्यों कर रहे हो, वो एक मासूम लड़की है। पर टैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता और कहने लगता है अगर तुम हेलेन को पसंद करते हो तो वो तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचती, वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। ये सुन नियान गुस्से में आ जाता है और वो उसे फाइट करने लगता है, वो बुरी तरह से हार जाता है। इसका हमेशा कह नियान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसे देख हेलेन उसे वैसे ही मलहम लगाती है जैसे वो बचपन में लगाई करती थी। पर वहाँ पर जैसे ही वो डैंग को देखती है वो तुरंत उसके साथ चली जाती है बिना एक भी बार नियान के बारे में सोचे। उसी दिन जब नियान हेलेन से मिलने जाता है तो उसकी आंट ये कहकर नियान को भेज देती है कि वो अपने रिलेटिव के घर गई है और नियान को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। पर वहाँ पर उसे एक शक हो गया था। नियान एक बार फिर से डैंग से हेलेन के बारे में पूछता है, डैंग उसे कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरे दिन नियान फिर से हेलेन के घर जाता है, पर वहाँ पर आंट कहीं बाहर जा रही थी, वो उनका पीछा करने लग जाता है एंड जब वो उन्हें फॉलो करता है तो वह हेलेन के पास पहुँच गया था। वो हम देख पाते हैं हेलेन प्रेग्नेंट थी एंड इस बात का शक नियान को पहले से था। उसे कहते हैं प्लीज़ उससे बातें मत छुपाना
हेडफ्री उसे ये भी पूछता है, टैंग तुमसे शादी कब करेगा? वो रिप्लाई करती है, जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब। पर नियान को पता था कि टैंग कभी भी हेलन से शादी नहीं करेगा। एंड वहाँ पर वो उसका साथ नहीं छोड़ता और उसका ध्यान रखता है। जैसे उसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही होता है, टैंग कभी भी हेलन से शादी नहीं करता। वो एक दूसरी लड़की जिसका नाम होंग था उसके साथ खुशी खुशी शादी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं नियान कहीं पर भी रहता तो उसका दिमाग हर पल हेलन के बारे में ही सोचता रहता। उसे यही चिंता सताती कि हेलन का क्या होगा। पर हेलन ने भी अपनी बेटी को जन्म दे दिया था जिससे तो वो बहुत खुश थी। नियान का भले उस बेबी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था पर वो उसकी बहुत केयर करता है। अब नियान हेलन से कहने आया था कि वो अपने गाँव वापस जा रहा है, जिसे सुन हेलन कहती है तुम गाँव ही क्यों जाना चाहते हो, तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस है। नियान अपने गाँव ही वापस लौटना चाह रहा था। फिर हम देखते हैं हेलन की बेटी का नाम था ट्रालोंग। एंड एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तभी घर पर ट्रालोंग के लिए बेबी फूड नहीं था, इसलिए नियान को ही बाहर जाना पड़ता है। पर कोई भी दुकान खुली हुई नहीं थी इसलिए नियान ट्रालोंग के लिए चावल का सूप बनाता है। वहाँ पर नियान को उन दोनों की इतने केयर करता देख हेलन बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हेलन ने अपनी बेटी को अपने विलेज में रखा था अपनी मदर के पास। नियान भी ट्रालोंग को वहाँ पर ध्यान रखता था। एडाज नियान हर उसकी तरह ट्रालोंग से मिलने आया हुआ था और वहाँ पर उसकी देखभाल कर रहा था, जिसे देख हेलन की मदर सोचती है कि काश हेलन ने शादी नियान से की हुई होती तो आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती। फिर हम देखते हैं कि ट्रालोंग की उम्र अब स्कूल जाने लायक हो गई थी। स्कूल का पहला दिन होने की वजह से ट्रालोंग बहुत ज़्यादा नर्वस थी और वो नहीं चाहती थी कि नियान उसे छोड़ कर जाए। वहीं दूसरी तरफ हम हेलन को देखते हैं जो अभी भी सिटी में ही रह रही थी और ट्रालोंग के ब्राइट फ्यूचर के लिए वो मनी सेव करी थी और उसने अभी तक शहर नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ ट्रालोंग को अपनी मदर से मिलकर बहुत ही मन था इसलिए नियान उसे शहर लेकर आता है। ट्रालोंग हेलन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी एंड वापस घर लौटते वक्त वो नियान से बहुत ही ज़्यादा जिद करी थी कि वो उसे रोज़ माइडल फॉरेस्ट ले जाए। नियान उसकी बात मान जाता है पर वहाँ जाते नियान को हेलन के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा याद आ रहा था। उसकी एक एक बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। लेकिन जैसे ही वो ट्रालोंग को देखता है तो हेलन के बारे में बताने लगता है कि मैं और तुम्हारी मॉम हमेशा यहाँ आया करते थे और बहुत खेलते थे। पर ट्रालोंग कहती है अंकल अब मॉम की बातें क्यों कर रहे हो। ट्रालोंग नियान को रोकते हुए पूछती है अंकल नियान मेरे पापा कौन है और वो कहाँ पर है। नियान कहता है क्या तुमने ये बात अपनी मदर से नहीं पूछी। ट्रालोंग कहती है मैंने पूछा था और उन्होंने कहा कि वो मर चुके हैं। एंड नियान इस बात के जवाब में कुछ भी कह नहीं पाता। फिर हम हेलन उसकी मदर को देखते हैं जो हेलन से कह रही थी तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं देता नियान कितना अच्छा लड़का है, उसने अभी तक किसी से भी शादी नहीं की और हमेशा ट्रालोंग और तुम्हारा ख्याल करता है। पर हेलन इस बात का जवाब देते हुए कहती है मदर हमेशा मेरे अपने अच्छे दोस्त की तरह ख्याल रखा है। इन्हें से उसकी मदर चुप हो जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और हम हेलन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आई हुई थी। पर तभी वहाँ पर ट्रालोंग और नियान बैठे हुए थे। वहाँ पर हेलन का बॉयफ्रेंड पूछता है ये कौन है तो हेलन कह देती है ये मेरे रिलेटिव्स हैं जो विलेज आए हुए हैं। वैसे इसलिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका रिलेशनशिप टूटे। यानी सुन ट्रालोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है लेकिन तभी ट्रालोंग उस आदमी के सामने कह देती है मदर आप भी मेरे साथ चल रहे हो ना। इस बात को सुन हेलन का बॉयफ्रेंड उसे कहता है तुम्हारी ये बेटी है एंड तुम उसको चीट कर रहे हो। हेलन उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ये सुन ये देख हेलन उसके पीछे जाती है उसे समझाने पर कोई फायदा नहीं होता। नियान हेलन को रोता हुआ देखता है और कहता है प्लीज़ मत रो। हेलन कहती है मैं एक बहुत ही बुरी इंसान हूँ, मैंने कभी भी लाइफ में किसी की इंपॉर्टेंस नहीं समझी, नहीं नियान की और ना ही अपनी बेटी की। ये सुन वो कहता है ऐसा मत कहो तुम सच में बहुत अच्छी हो, लाइफ में हर कोई गलती करता है पर उसे सुधारने का एक मौका जिंदगी ज़रूर देती है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है तुम वापस अपने गाँव चलो शहर हमारे लिए नहीं बना। लेकिन हेलन कह रही थी सब कुछ बदल चुका है और मुझे नहीं लगता कि सब पहले जैसा कभी ठीक हो पाएगा। नियान कहता है हेलन मैं हूँ ना, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगी, हम साथ रह सकते हैं, हमारा भी एक परिवार होगा मैं तुम और ट्रालोंग। पर हेलन कहती है तुम मुझे माफ़ कर दोगे लेकिन मैं तुम्हें को कैसे माफ़ कर दूँ, तुम्हें पता है नियान जब भी मैं ट्रालोंग को देखती हूँ मुझे हमेशा मेरी गलती का एहसास होता है और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा फील होता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है एंड ये सब सुन नियान अपसेट हो जाता है। फिर हम ट्रालोंग को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रही थी पर तभी उसे हेलन के कपड़े में एक डायरी मिलती है जो नियान ने हेलन को दी थी। उस किताब में नियान ने हेलन अपने बारे में बहुत कुछ लिखा था और कुछ गाने भी।
रालो ये सब कुछ पढ़ रही थी कि तभी उसे उसकी ग्रैंडमा बैग भरने के लिए बुलाती है, क्योंकि उसे गांव से बाहर पढ़ने शहर में जाना था। वहीं दूसरे दिन न्यान रालो को बस तक छोड़ने जाता है एंड वहां पर वो उसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जैसे एक फादर अपनी बेटी से कहते हैं। न्यान ने रालो को ये भी कहा था कि वो शहर जा रही है तो किसी से भी प्यार में ना पड़े, क्योंकि आखिर न्यान से अच्छे शहर को कौन ही जानता है। जिस पर रालो कहती है, अंकल मुझे मैच्योर लोग पसंद है ना कि मैच्योर बॉयज। रालों को बहुत लेट हो रहा था इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं फिर न्यान को देखते हैं जिसकी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए रूसी उसे मिलने आती है। जैसे रूसी न्यान को अपने स्कूल के दिनों से ही पसंद करती थी और आज भी वो उसे उतना ही पसंद करती है एंड अभी तक वो उसी उम्मीद में है कि न्यान कभी ना कभी उससे शादी करने के बारे में जरूर सोचेगा। रूसी न्यान से कहती है, न्यान तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए? न्यान कहता है, मैं अब थोड़ा ओल्ड हो चुका हूँ, शादी करके क्या फ़ायदा? रूसी कहती है, तुम सिर्फ 35 के हो और अभी तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। न्यान कहता है, मतलब? रूसी कहती है, मैं भी 35 की हूँ, एटलीस्ट थिंक ऑफ मी। रूसी कहती है, न्यान मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ तो आखिर अपनी लाइफ को बर्बाद क्यों करे हो? मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, एक बार सोच के तो देखो। न्यान कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रूसी, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तब, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की की जगह है, वह हेलन। इस बात पर रूसी उससे रोते हुए कहती है, उसने एक भी बार तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं तो तुम हमेशा उसके केयर क्यों करना चाहते हो? तुम्हें पता है तुम्हारे इंतजार में कब से कर रही हूँ, मैंने आज तक किसी भी दूसरे लड़के के बारे में सोचा तक नहीं एंड आज आखिरी बार मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने आई हूँ और अब मैं इस गाँव को छोड़कर जा रही हूँ। न्यान ये सब सुन न्यान को बहुत बुरा लगता है कि उसे अपने सबसे अच्छी दोस्त का दिल तोड़ दिया, लेकिन वो कर भी क्या सकता है क्योंकि उसकी फीलिंग्स सिर्फ हेलन के लिए थी एंड उसके मन में भी यही उम्मीद थी कि हेलन उसके लिए आज नहीं तो कल वापस जरूर आएगी। फिर हम हेलन और ट्रालोंग को देखते हैं जहाँ ट्रालोंग हेलन से पूछती है, अंकल यान हमेशा अकेले क्यों रहते हैं? हेलन कहती है, न्यान को अभी तक कोई अच्छी लड़की नहीं मिली जिससे वो शादी कर सके इसलिए वो अकेले रहते हैं। इस पर ट्रालोंग कह रही थी, मदर मैंने देखा है अंकल यान आपसे कितना प्यार करते हैं, उनकी आंखें मैं देख सकती हूँ, लेकिन आप कभी उन्हें समझ ही नहीं पाई। जिस पर हेलन कहती है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और ये सुन ट्रालोंग भी कुछ नहीं कहती। फिर हम ट्रालोंग और न्यान को देखते हैं जो रोज मैटर फॉरेस्ट गए हुए थे। ट्रालोंग न्यान से कहती है, क्या वो उसे वही गाना सुना सकते हैं जो वो हेलन के लिए गाए करते थे? न्यान कहता है, मुझे कोई भी गाना याद नहीं आ रहा। तभी ट्रालोंग उसे वही गाना गाकर सुनाती है जो कि ट्रालोंग ने उस डायरी में पढ़ा था। न्यान ये जान हैरान था कि ट्रालोंग को ये गाना कैसे पता एंड वहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरती से उस गाने को गा रही थी, जिसे सुन न्यान को हेलन दिखाई देने लगती है और उसे किस करने वाली थी, पर वो हेलन नहीं बल्कि ट्रालोंग होती है। ये सब देख न्यान वहाँ से तुरंत चला जाता है एंड फिर अगले सीन में हम दोबारा न्यान को देखते हैं जो गांव को छोड़ वहाँ से जा रहा था। उसने जाते जाते लेटर में लिखा था, ट्रालोंग अपने आप को ब्लेम मत करना, जो भी तुमने किया वो सब सिर्फ टीनेज अफेक्शन की वजह से किया, मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि गॉड ने मुझे तुम जैसे लोगों से मिल पाया। इस पर ट्रालोंग बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इसका जिम्मेदार मान रही थी। ट्रालोंग हेलन से कहती है, मेरी वजह से अंकल न्यान यहाँ से चले गए, वो सिर्फ आपको पसंद करते हैं। आपको पता है ग्रैंडमा ने मुझे कहा था जिंदगी में दो चीज़ों का भी मैं छोड़ना, पहला आखिरी बस जो हमें घर ले जाए और दूसरा वो इंसान जो हमें हमेशा प्यार करे। क्या आप उन्हें रोक नहीं सकती? प्लीज़ उन्हें रोक लो, आपको ही पता है आप सिर्फ न्यान से ही प्यार करती हो, प्लीज़। वहीं दूसरी तरफ न्यान को देखते हैं जो ट्रेन में बैठ चुका था, लेकिन तभी हेलन वहाँ आती है, लेकिन तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। हेलन कोशिश करती है कि जैसे तैसे ये ट्रेन बस रुक जाए ताकि वो न्यान के पास पहुँच सके। वहीं दूसरी तरफ न्यान सब कुछ याद कर बस रो रहा था एंड दूर हेलन भी रो रही थी। फिर ट्रेन और न्यान दोनों आगे निकल जाते हैं और हेलन बस वहीं खड़ी रह जाती है। एंड में सब कुछ रियलाइज करते हुए भी वो न्यान को रोक नहीं पाई और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म का एंड हैप्पी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था और सबसे ज़्यादा न्यान के लिए, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की को पसंद किया जो कि थी हेलन। ऐसा नहीं था कि लाइफ ने हेलन को न्यान से कन्फ्यूज करने का समय या चांस नहीं दिया, उसे कई बार मौके मिले लेकिन उसे हर बार न्यान से बात करने में देरी कर दी। न्यान ने तो एंड तक हेलन का इंतजार किया था पर जब उसे ऐसा लगने लगा कि अगर वो और ज़्यादा रुकेगा रिश्ते में तो हो सकता है ट्रालोंग और हेलन के बीच के रिश्ते उसकी वजह से खराब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रालोंग न्यान को पसंद करने लगी थी। इस मूवी में कोई भी सीन एक मेलोड्रामा नहीं था, सब कुछ एक रियलिटी की तरह था।
कई बार जिंदगी में हमारे सामने कई मौके होते हैं जो ना चाहते हुए भी हम गवा देते हैं, एंड ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। किस्मत में सभी को न्याय जैसा लड़का नहीं मिलता, और अगर किसी को मिल जाए तो कदर करनी चाहिए, वरना एंड हार्ट ब्रोकन ही होता है। एंड गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, सी यू सून।